कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में क्लास 11 की केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों अभी आपका चल रहा था रासायनिक संयोजन के 5 नियम, ठीक है। मैंने आपको रासायनिक संयोजन के 5 नियम के बारे में बताया था, जिसमें से आपको मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम मतलब लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास के बारे में एंड स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, ये 2 नियम आपके कंप्लीट हो चुके थे, आपको मैंने बता दिया था। जिसमें से आज हम बात करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात का नियम और गैलुशेक का नियम। इस 3 नियम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लाइड प्रोपगेशन, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उससे पहले बच्चों अगर आपने सेकंड वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा सेकंड वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो बताया है वो आपके केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब तक आप बेसिक चीजें नहीं जानेंगे तब तक आपका आगे का प्रोसेस नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आपको होमवर्क दिया था कि आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करके आएंगे। तो बच्चों आपने याद करके आया है या नहीं जल्दी से बताइए कमेंट करके। जो बच्चे याद किए हैं वो हमें कमेंट करके बताएंगे कि उनको ये सारे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद हो चुके हैं, और जो नहीं याद किए वो भी हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने अभी याद नहीं किया। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे कहने के अनुसार नहीं चलते, नहीं याद करते तो आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। केमिस्ट्री सब बच्चों के लिए, ज्यादातर बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन अगर आप हमारे DLS एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे अनुसार आपको चलना होगा, जिससे कि हम आपको उस हिसाब से कंप्लीट करा सके और समझा सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो ये आपकी गलती, आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। चलिए, तो आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो है आपका आज का टॉपिक गुणित अनुपात का नियम। चलिए, तो हम बात करते हैं बच्चों गुणित अनुपात के नियम में आपको क्या जानना है। देखिए ये होता क्या है इसके बारे में पहले हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों इस नियम में आपको क्या समझना है। देखिए गुणित अनुपात का नियम, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मींस क्या होता है, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस नियम में क्या कहता है, इस नियम में कहता है कि इस नियम में दो एलिमेंट्स या दो तत्व, ये एक हमने दो एलिमेंट्स अलग अलग लिए, एक कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन लिया, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स के संयोग से एक कंपाउंड बनाना, ठीक है, एक कंपाउंड बनाना, इतना समझिए। अभी आपको ज्यादा नहीं समझना, डिफिनेशन में हम जितना आपको बता रहे हैं उतना समझिएगा, ठीक है। डिफिनेशन कहता है कि इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोग करके, ठीक है, दो तत्व संयोग करके एक यौगिक तैयार करना या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, इस नियम में। तो तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है आपस में सदो गुणित अनुपात में होती है। मतलब आपको क्या समझना है कि बच्चों इस नियम में जो हमने दो एलिमेंट्स ले लिया अलग अलग, और दो एलिमेंट्स मिलकर दो से अधिक कंपाउंड तैयार करते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड तैयार किया, कार्बन और ऑक्सीजन से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार किया, ठीक है। अब इन दोनों का मास, इन दोनों के रेशियो की बात कर रहा है कि जो इन दोनों का रेशियो है, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान होगा और दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेगा। बात को समझिएगा कि जो इसका रेशियो आएगा, जैसे कि हमने कार्बन का रेशियो हमारा इक्वल रहेगा और ऑक्सीजन का रेशियो हमारा डिफरेंट रहेगा, तो वही कह रहा है कि एक तत्व के भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है आपस में शायद गुणित अनुपात होती है। आइए हम इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। ये देखिए इसका डिफिनेशन कहता है कि इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोग करके,
समझ में आ गया ना। अब देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल समझ में समझा दिया तो डिफिनेशन समझने में आसानी होगी। दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, ये इसने बना दिया, दो या दो से अधिक यौगिक इसने बना दिया, ठीक है। उसके अलावा आई एम डिफिनेशन पे आते हैं, फिर कह रहा है कि तो एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का, ठीक है, ऐसे मान लेते कार्बन और ऑक्सीजन लिया तो कार्बन का द्रव्यमान भिन्न तथा दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान में संयोग करेगी, ठीक है बच्चों। मतलब ये कि यहाँ पे समझाना आपको ये चाहता है इस एग्जांपल कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम संयोग करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जो इन दोनों का रेशियो होगा, जो इन दोनों का अनुपात होगा बच्चों, उसमें ये आपको दिखाना चाहता है कि एक एलिमेंट्स के द्रव्यमान समान होंगे भिन्न भिन्न और दूसरे एलिमेंट्स के भिन्न भिन्न होंगे। समझ में आ गया ना ये क्या कह रहे थे? यही पूरा नियम गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। कैसे? चलिए आइए हम समझते हैं। देखिए अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद करना है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको नहीं समझ में आने वाला एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। चलिए तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उनके लिए भाई सॉरी, उनको समझ में आता है या नहीं आता हमें नहीं पता, ठीक है। जो बच्चे हमारे डीएलएस एजुकेशन से जुड़े हैं हमारे कंटिन्यू लेक्चर देखिए। चलिए तो बच्चों हमें क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो और कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो पता करना है कि इक्वल है या नहीं है, समान है या भिन्न है, क्या है। चलिए उसे डिफरेंट के अकॉर्डिंग कार्बन का रेशियो कितना होता है बच्चों? चलिए कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन हमारा 6 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है, कितना होता है 12 होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए समझने वाली चीज है, कार्बन हमारा कितना है 6 है, ठीक है, तो कार्बन हमारा 6 हो गया रेशियो, ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन हमारा 2 है और इसका क्या होता है नंबर, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 16, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा 32, तो इसका 32 हो जाएगा, तो जब ये 32 होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन का 12 रेशियो कितना 32, ठीक है 12:32 ये बन गया आपका। चलिए अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे आते हैं, कार्बन का कितना होगा 6, इसका परमाणु भार कितना होगा 12 होगा, एटॉमिक ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का भाई 16 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो हमने आपको भी बताया कि इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, ओके। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक तत्व की भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, एक तत्व जो आपका होगा वो भिन्न होगा, मतलब 32:16 क्या है भिन्न है और ये कार्बन का हमारा जो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है, एक निश्चित द्रव्यमान संयोग करती है, ठीक है। तो यही नियम आपका गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। तो ये 32:16 कितना रेशियो हो जाएगा, 16 × 32 मतलब कि गुणे में होगा, है ना, या आप गुणे में कह दो या आप कह सकते हो कि इक्वल में, ठीक है। तो 16 × 2 क्या होगा 32, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1:2, समझ में आ गया ना बच्चों। तो इस तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये एग्जांपल हमने आपको दिया। चलिए आइए हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे हमारे क्लास 11 के हैं और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन सारे बच्चों को इस वीडियो को सेंड करिए ताकि उनकी भी केमिस्ट्री अच्छे से तैयार हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कि सल्फर में सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनता है, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर, सॉरी। तो बेटा देखिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन से जब वो संयोग किया, रिएक्शन किया दोनों का, तो आपको प्राप्त हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोराइड, ठीक है, सल्फर मोनोऑक्साइड, मतलब कि आपको 3 चीजें मिल गई, ठीक है, SO2, SO3 और SO, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे हमें तीनों का रेशियो देखना है, क्या तीनों का रेशियो हमारा बराबर है। देखिए आइए हम पता कर लेते हैं। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होगा, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सल्फर का आपका होता है 16, है ना,
सल्फर को 16, इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे है मैम कितना, 8, 8 × 16, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है, 16 × 2 कितना 32, तो आपका कितना हो जाएगा 16 अनुपात कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ पे कितना है O3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, है ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 48 और ये कितना आएगा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा S का 16 हो जाएगा, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16, मतलब कि सॉरी यहाँ पे सल्फर 16 है, ठीक है, और इसका ये SO ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी कितना होगा, ऑक्सीजन 8 है, है ना, ऑक्सीजन 8 होगा, 8 × 16, सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक बताया आपको, यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलिए हम फिर से देख लेते हैं, सल्फर का भाई परमाणु क्रमांक 16 होता है, एटॉमिक मास 32 होता है ना, हमने ये गलत बता दिया था, 32 रेशियो कितना होगा, 32 रेशियो आपका 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 32 रेशियो कितना, इसका 48, है ना, क्योंकि 16 × 32, ठीक है, 48, ठीक है, 3 है ना, अब इसका कितना हो जाएगा, 32 रेशियो कितना हो जाएगा 16, ठीक है, तो ये ऐसे आपका बनेगा, ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था मैंने, उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, एटॉमिक मास ध्यान नहीं दिया। चलिए तो इस तरीके से आपका 3 बना। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इसका ये भिन्न है, मतलब कि एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, संयोग आपस में सैदो गुणित अनुपात होती है, ठीक है, समझ में आया गुणित अनुपात का मतलब क्या हुआ, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दर्शाना है, बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। तो के चलिए, जो चीजें बच्चों आपको समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट करिए, कमेंट कर आप पूछिए आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है, हम आपको जरूर बताएंगे। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विक्रम अनुपात अथवा तुल अनुपात का नियम। इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि आपको कहीं पे आपके ट्यूशन आपके स्कूल के टीचर इतना क्लियर नहीं बताएंगे, मैं आपको जो बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से बताऊंगी और बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगी। बच्चों ये टॉपिक आपका 9th में भी है, 9th आपने पार कर लिया, 11th में आ गए, तो अगर आपको 11th में समझना है, जानना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको आना है, आपको पढ़ाना है आगे, तो इसलिए इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन पहले आप कुछ खाइए ना, सोचिए ना, सिर्फ कंसंट्रेट करिए। चलिए तो आपको मैं बता रही हूँ व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात का नियम। सबसे पहले हम जानते हैं तुल्य का मतलब क्या होता है, इक्वल, है ना, बराबर, ठीक है। चलिए तो बच्चों इस नियम को समझने से पहले आइए हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिफ्रेक्शन बोलते हैं। इस नियम में कहता है कि दो तत्व भिन्न भिन्न, ठीक, दो तत्व है, दो एलिमेंट है जो भिन्न भिन्न मात्रा में है, किसी तीसरे तत्व को एक निश्चित मात्रा में संयोग करते हैं, ये आपका ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट हो गया, जिससे ये रिएक्शन करेगा। पहले उन तत्व के द्रव्यमान समान होगा, पहले इसका जो रिएक्शन होगा वो समान होगा, उसकी गुणित होगी जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। चीजें नहीं समझ में आई, चलिए समझाते हैं क्या कहना चाहता है। इस डिफिनेशन में कहता है कि दो तत्व होंगे जो भिन्न भिन्न होंगे और एक तीसरा तत्व होगा जिससे हम संयोग करेंगे, पहले उन तत्व के द्रव्यमान समान होगा और उसकी गुणित होगी जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। अब देखिए हमने एक कार्बन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, दोनों अलग अलग हमने लिया, एक तीसरे एलिमेंट से हमने रिएक्शन कराया, इसका संयोग कराया, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना सकते हैं, मेथेन, CH4, बैलेंस बंद कर लेंगे उसको, छोड़ दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना सकता है, मेथेन, बन गया मेथेन भाई, ठीक। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना सकते हैं, वाटर, ये भी हमारा तैयार हो गया। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब देखिए दोनों ने अलग अलग एक तीसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर इन्होंने दो अलग अलग बना दिया, है ना। अब देखिए अब हमें पता करना है कि
क्या इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होगा? हमको बराबर लाना है, क्योंकि डिफिनेशन हमारा कहता है कि तीसरे तत्व के एक निश्चित मात्रा में सहयोग करती है और पहले उन तत्वों के द्रव्यमान समान होगी और उनकी गुणित भी होगी, समान भी होगी और गुणित भी होगी जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर सहयोग करते हैं, है ना। तो बच्चों मेथेन का ही हम रेशियो निकालते हैं। चलिए मेथेन का रेशियो निकालना है हमें, निकाल लेते हैं। मेथेन का रेशियो निकालने के लिए आप लिख दो CH4, इसका रेशियो आप निकालोगे, ठीक है। कार्बन का कितना हो जाएगा, इसका कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आपका रेशियो कितना होगा, कार्बन कितने नंबर पे होगा, जल्दी से आप हमें कमेंट करिए। चलिए तो कार्बन बच्चों आपका 6 नंबर पे है ना। तो आपने मेथेन को लिया और मेथेन में कार्बन का हमारा 6, इसका परमाणु भार एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12, ठीक। तो इसका रेशियो हमारा क्या बना, 12 बन गया। हाइड्रोजन हमारा कितना है, हाइड्रोजन हमारा 4 है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4, इसका आ गया 4। तो क्या बनाया इसका, इसका बना बच्चों 12:4, ठीक, ये बन गया हमारा, है ना। चलिए ये आपका मेथेन का बन गया। अब हमें किसका बनाना है, वाटर का बनाना है। चलिए वाटर का भी हम ले लेते हैं। वाटर का आपको लेना है, ये आपने वाटर का लिया H2, जिसमें से हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का मैम 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। ऑक्सीजन के अभी मैंने बताया कितना होता है, 8 होता है, इसका एटॉमिक मास 16 होगा, ये आ गया हमारा 16। अब देखिए इन दोनों के रेशियो में डिफरेंट है, यहाँ पे वही 1 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 होगा, 1 नहीं होगा, 2 होगा ना बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा 2 है ना, 2 और 16, और यही हमारा 12 और 4। अब हमको इसको बराबर करना है दोनों को। अब हम बराबर कैसे करें, देखो कैसे बराबर करेंगे, आइए देख लेते हैं। या तो हमारा एक हमारा बराबर करना है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो आपने इसको लिया 2, अगर हम 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4, मतलब ये हमारा बराबर हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन आपका बराबर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को बराबर कर ले, चलिए बराबर कर लो। अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन में, तो 2 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इक्वल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बच्चों कि आपका ये हाइड्रोजन का रेशियो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है ना कि क्या होना चाहिए, वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं, या तो पहले उन तत्वों की द्रव्यमान समान होंगी या तो उनकी गुणित होगी या तो समान होगी, है ना, समझ में आ रहा है बच्चों क्या कर रहा है। तो इस तरीके से इस नियम में आपको पढ़ना है क्या डिफिनेशन है, ये अब डिफिनेशन के थ्रू आपको समझाते हैं। इस नियम के अनुसार दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो किसी तीसरे तत्व का एक निश्चित मात्रा में संयोग करती है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि दो आपने एलिमेंट्स लिया जो तीसरे तत्व से रिएक्शन किया, पहले उन तत्वों के द्रव्यमान समान होंगे, पहले का आपका द्रव्यमान समान करना है किसी एक का, हमने हाइड्रोजन का बराबर कर दिया गुणित करके, ठीक है, तथा उनकी गुणित होगी जिस मात्रा में वो तत्व परस्पर संयोग करेंगे, भाई हमने समान किया और हमने गुणा करके उसको इक्वल बना दिया, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आपका ये हुआ किस नियम का, व्युत्क्रम अनुपात अथवा तुल्य अनुपात के नियम का। एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया, जो बच्चों को नहीं समझ में आया बच्चों वो हमें कमेंट करिए और कमेंट कर आप पूछिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल श्योर होकर पूछिए, ठीक है। चलिए आइए हम थर्ड पे आते, थर्ड आपका सॉरी लास्ट आता है, लास्ट आपका कह रहा है गैस-लुशेक का नियम, गैस-लुशेक ऑफ लॉ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इस नियम में आपको कुछ नहीं समझना, ये नियम सबसे इजी है। इस नियम में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है यह छवि बनती है, मतलब कि ये जो रिएक्शन करेगा वो एक गैस होगा और जो बनेगा, जो उत्पाद बनेगा वो भी गैस होगा। कह रहे रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है, छवि बनती है, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं जब सभी गैस समान ताप व एवं दाब की स्थिति में हो, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम जैसे कि रिएक्शन हम करा देते हैं किससे किससे, ये कराते हैं, जैसे हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से, तो आपको क्या बन गया,
टू एस सी आर, है ना, टू एस सी आर बन गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन से, हाइड्रोजन क्या है, गैस, ठीक। उसके बाद हम करा देते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से क्या बना दिया हमने, अमोनिया। अमोनिया क्या है, एक गैस है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है। तो इसमें केवल आपको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त छवियां बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं जब सभी गैस समान ताप एवं दाब की स्थिति में हो। ओके, तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको फाइव लॉ के बारे में बताया जो आपके लिए इस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उसके अलावा बच्चों मैं आपको एक चीज फिर से बता दूं कि जो पांचों नियम में जो भी नियम आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट करिए और कमेंट कर पूछिए, और अगर आपने इसको नहीं याद किया तो याद कर लीजिएगा कि आपने देखा भी कितना यूज है इसका, उसके अलावा भी अभी आपको बहुत आगे यूज होंगे। हमने आपको ज्यादा याद करने के लिए नहीं कहा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने निकाला, जो ज्यादा यूज होते हैं उसको मैंने आपको बताया, आप याद करिए। हम आगे आपको धीरे धीरे होमवर्क देते रहेंगे जो जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बहुत अलग से नहीं बताएंगे आपको क्या याद करना है, हम आपको केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि आपको इतना याद करना है जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे डीएलएस एजुकेशन से, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, चलिए।